आज के हुनरबाज चित्रकारों को अपनी प्रतिभा चमकाने का मौका मिले, साथ ही इन कलाकारों को एकजुट कर उन्हें एक मंच उपलब्ध कराकर देने के मकसद से मुंबई की प्रसिद्ध चित्रकार प्रिया याबालूरी के नेतृत्व में आर्ट फॉर अवेयरनेस द्वारा कंटेम्प्रेरी अर्बन आर्टिस्ट नामक भव्य सामूहिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली इस अनोखी चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बाबूभाई मिस्त्री और आर्ट एडिटर जैन कमल के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर उनके साथ आर्ट फॉर अवेयरनेस आर्ट गैलरी की संस्थापिका प्रिया याबालूरी और चित्रकार कला प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उद्घाटन के पश्चात मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। तीन दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी में मुंबई, नवी मुंबई सहित पुणे, गुजरात और दिल्ली से आए 15 चित्रकारों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने तरह तरह की मनभावन चित्र प्रदर्शित कर अपने कलाकारी का अनोखा नमूना पेश किया। यहां मौजूद चित्र और कला जगत की बड़ी हस्तियों ने प्रिया याबालूरी के प्रयत्नों और सामूहिक चित्र प्रदर्शनी के आयोजन पर खुशी जताते हुए चित्रकारों के बेमिसाल काम की जमकर सराहना की। खासियत तो ऐसी है कि एग्जीबिशन होते रहना चाहिए, तकलीफ में भी और अच्छे वातावरण में भी, क्यों एग्जीबिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। पूरे समुदाय को, सभी तरह के लोगों को एक बहुत अच्छा नॉलेज जाता है, सिर्फ आर्ट फ्रेटर्निटी को नहीं, सभी तरह के लोगों को ये देखना करना एक प्रकार का अध्यात्म है, पीस मिलता है लोगों को, वो देखना चाहिए। मैं प्रिया को धन्यवाद देता हूँ और प्रिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ग्रुप बना है वो 100 साल तक सर्वाइव करे। जल्दी सर्वाइव नहीं हो पाता है, टूट जाता है, टूटे नहीं और बढ़ जाए आगे की ओर। प्रिया ने एक बड़ा अच्छा प्रयत्न किया है आर्टिस्ट को साथ में लेके चलने का, लेकिन वो कंटिन्यू होना जरूरी है। मैंने इस चीज़ में बताया कि स्टार्टिंग तो होता है, आगे जाके आर्टिस्ट अपने अपने हिसाब से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है, वो अहम आर्ट में नहीं आना चाहिए। आर्ट आर्ट होता है, अपना आर्ट हो रहा है, आर्ट से बात करें ऐसा आर्ट क्रिएट करना चाहिए। और अगर यही ग्रुप ऐसे चलता रहेगा तो एक दिन इसमें से 2-3 आर्टिस्ट अच्छे अच्छे करके नाम भी कमा सकते हैं, दाम भी कमा सकते हैं और एक ग्रुप को भी वो मिलता है अपना आइडेंटिटी। अब ये पेंटिंग जो हमने देखी उसमें वेरिएशन है, क्योंकि आर्टिस्ट अलग अलग है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना प्रेजेंटेशन अलग होता है, वो अपने हर एक ने बनाया और हर एक ने अपनी तरफ से अच्छा कोशिश किया, अच्छा वर्क प्रेजेंट किया है, इतना मैं बता दूं। वहीं देश के कोने कोने से आकर इस चित्र प्रदर्शनी का हिस्सा बने उभरते चित्रकार इस प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साहित नजर आए, जिसके लिए उन्होंने प्रिया याबालूरी का आभार माना। ये एग्जीबिशन प्रिया जी ने बहुत ही बढ़िया सब ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही एक उम्दा तक मिली हम सबको, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ह्या एग्जिबिशन मला मध्ये पार्टिसिपेट करून मला खूप छान वाटलं, नवीन नवीन आर्टिस्टला यांनी इथे प्रोत्साहन देण्याचं काम केलेलं आहे। मी जी पेंटिंग केलेली आहे ही सखी या विषयावर केलेली आहे। सखी हा विषय म्हणजे सखी म्हणजे ती आपली आई असू शकते, बहीण असू शकते, बायको असू शकते किंवा मैत्रीण असू शकते, पण ती असताना तिची आपल्याला किंमत नसते किंवा कळत नसतं, तिचं अस्तित्व जाणवत नाही, ती नसल्यानंतर ते जाणवतं। मुझे बहुत खुशी है आर्ट ऑफ अवेयरनेस का हिस्सा मैं बना हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिया जी ने, उनकी बहुत अच्छी सोच है जो सभी आर्टिस्ट को लेके चल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर
कामयाब होना है तो सबको साथ में लेके होना है, अकेला कभी आदमी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, परिपूर्ण कोई भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती हैं, और वो सीखने के लिए सामूहिक सभी आर्टिस्ट का सहयोग होता है उसके अंदर। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इस एग्जीबिशन कोई एग्जीबिशन में पार्ट ले रही हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिया यबालूरी, उन्होंने जिन्होंने ये क्यूरेट किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि जो नए आर्टिस्ट है उनको वो एक प्लेटफॉर्म दे रही है इस एग्जीबिशन के थ्रू कि वो अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे यू नो प्लेस करे और उनको एनकरेज करे कि यू नो टू डू अच्छे से और काम कर सके इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव अरोमा, अमेजिंग टू शेयर स्पेस विद ऑल दिस पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। या आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस सीरीज कॉल्ड द रॉयल सीरीज, व्हिच इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ यू कैन से इंडियन कलर्स, इंडियन मिनिएचर्स एंड वेस्टर्न कलर्स, बेसिकली इट्स अ फ्यूजन। या दैट इज इट। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम करके और उनके साथ पेंटिंग्स का डिस्प्ले लगा के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। यहाँ पे जैसे एक मेला सा लगा हुआ है पेंटिंग्स का, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं, अलग अलग तरह का काम है, उन सब के साथ काम करके बेहद मज़ा आया। ये जो मेरी पेंटिंग है ये सीरीज़ है आई डोंट फिट इन, जहाँ पे एक औरत का जो स्पेस होता है, जब अपना अपना एक दायरा होता है उसमें वो अपने आप से जुड़ी हुई जो होती हैं, तो उस जुड़ने पर ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्रिया ने जो भी अरेंजमेंट किया है, ये एफ है आर्ट गैलरी आर्ट फॉर अवेयरनेस, वो एक्चुअली एक अवेयरनेस ही है, और बहुत बड़ा कुछ देखने को भी इधर मिला, और बाकी जो देखने के लिए आएगा उसको भी मिलेगा, और बहुत सारी जो ये आर्टिस्टों ने मेहनत की है उसका, जैसे बोलते हैं कि जो एक पसीना आता है और उसका जो बूंद गिरता है और उससे ये जो आर्ट क्रिएट होता है, वो एक बेसिकली वैसी चीज़ इधर दिखने को हमको तो मिली है, और जो बाकी लोग भी एग्जीबिशन का जो हिस्सा हो गए वो देखने के लिए आएंगे उसको भी मिलेगा। ओह वेल, इट्स समथिंग फैंटास्टिक, बिकॉज आई हैव नेवर हैड एन एग्जीबिशन विद सो मेनी आर्टिस्ट टेकिंग पार्ट, एंड इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, द मीडियम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो, सो इट्स समथिंग ग्रेट। यस, I work with paper as my medium, and I combine it with inks and watercolor and mixed media. So it feels great to be a part of so many artists in this exhibition, and we're having like Babu Bhai, Mystery, and lot of people to guide us and give us good feedback on the work here. I have put up some work based on my experiences from in nature and around the flora and fauna. Art was a hobby till recently when it has turned into a passion. I am based in New Bombay, and about 6-7 months ago a couple of us from this show met in one event which was held in Khargar. Subsequently we met in Belapur, and that's where this thought initiated that we could do a group exhibition together under the title of Urban Contemporary Art. So with that in mind, I started working, and while most of my paintings are about nature, they are either flowers or god goddesses, because the theme was contemporary urban art, and I dealt with property consulting in Bombay for about 5 years. So I started a series of sketches which are based on photographs that I have clicked in and around cities in India. I feel so honored to be part of this exhibition, and plus taking certificate from very famous and respected art director Mr. Jain Malik and Shri Babu Bhai Mistry, who is the Vice President of Art Society of India. It's really a big honor to get certified from them. खूप छान, म्हणजे नवीन आर्टिस्ट लोकांना खूप मोठं प्रोत्साहन मिळतं असं, हा चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. माझे हे मधुबनी पेंटिंग्स आहे, मधुबनी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे केले आहेत, म्हणजे दुर्गा आणि ट्री ऑफ लाईफ, रासलीला, असे वेगवेगळे हे केले आहेत. वहीं आर्ट फॉर अवेयरनेस आर्ट गैलरी की संस्थापिका प्रिया याबालूरी ने इस प्रदर्शनी की अधिक जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के अहम मकसद पर प्रकाश डाला. आई वॉन्टेड टू ऑर्गनाइज अ ग्रुप इवेंट ब्रिंगिंग इन ऑल द आर्टिस्ट हु वेर वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी हैविंग अ काइंड ऑफ अ गोल टू रीच देयर एस्पिरेशंस अंडर दिस आर्ट फॉर अवेयरनेस बैनर. And Art for Awareness is a group
which is having its own online gallery, that is AFA Art Gallery, for the last 5 years. And over 4,000 members are already there online. And now, like, I wanted to bring that online art shows to the real, give them a base, and bring in some of the artists together, and form a group called Contemporary Urban Artists under this banner. So, Contemporary Urban Artists artists are a group of artists. Some 15 artists are there in this group who want to achieve their goals, as well as they're very enthusiastic in doing their artworks, and they are very like, you can see the all the artworks, they are very vibrant, very energetic, and they have a positive flow through them. And at the same time, through the works of the art, we want to create art for awareness. So every artist is also having a goal, like they want to create awareness through the art they are doing, whether it is a painting or it's a paper craft. So we have a wide range of art over here. Some are abstract, some are figurative, some are very detailedly done Madhubani art, some are modern abstract art, and some are like, you can see there is paper craft art also. So vibrantly, like you can see a lot of vibrant colors, and spreading like, you know, the kind of positive energy we want to reach to the society or world. Bureau Input, EW Network.